हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हम अपने लैपटॉप से और मोबाइल में, टैबलेट में, किसी में इंटरनेट कैसे चला सकते हैं वाई हॉटस्पॉट। तो अभी हम देरी ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो टॉपिक पर। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ कनेक्ट होता है, मतलब आइकन ऐसा शो होता है जबकि हमारा लैन से कनेक्ट हो। अगर हम लैन से कनेक्ट नहीं होगा तो वाईफाई का ऐसा थिम्बल यहाँ पे शो होता है। अगर हम वाईफाई से कनेक्ट हो, हम दोनों ही केस में अपना इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मेरा वायर से कनेक्ट है, मतलब लैन से इंटरनेट पे कनेक्ट है, तो उस पर इंटरनेट आ रहा है। तो उसी को आपको शेयर करके दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हॉटस्पॉट में जाते हैं सिंपली। ये हो गया, अगर आपका कॉन्फ़िगर है तो ऑटोमेटिक आपका हॉटस्पॉट चला जाएगा नियर बाय आपके मोबाइल में और वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा हॉटस्पॉट कॉन्फ़िगर नहीं है तो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से अपना जो जो छतरी बोलते हैं ना ज़्यादातर लोग, छतरी शो नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का जो आइकन होता है, तो यहाँ पे उसको ऐसे साइड दे सकते हो, मतलब इस नाम से आपको शो होगा, ठीक है। ये तो नाम का हो गया। और यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हो और आपका जो फ्रिक्वेंसी है आपका लेवल यही रखना, ठीक है, 2.4, क्योंकि इससे हर कोई डिवाइस कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे। उसके बाद अगर फिर भी आपका मोबाइल कनेक्ट हो रहा है लेकिन फिर इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो उसके बाद हम जाएंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में। एक ऑप्शन तो ये है, ठीक है। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे प्रॉपर्टीज में, उसके बाद जाएंगे शेयरिंग में। हाँ दोस्तों, अभी क्यों इंटरनेट नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई नेटवर्क सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो यहाँ दो नेटवर्क शो हो रहे हैं मेरे। आपका जो शो होगा आप उसे सेलेक्ट करना है। मेरा ऐसा कुछ शो हो रहा है, वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं वाईफाई से अगर कनेक्ट होता तो वाईफाई सेलेक्ट करता। अभी मेरा वायर से कनेक्ट है, मतलब वायर मतलब लोकल एरिया कनेक्शन, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे 400 हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 करके होंगे, लेकिन मेरे 4 नंबर पे इंटरनेट आ रहा है तो मैं 4 नंबर को सेलेक्ट करूँगा। ये कहाँ पे शो होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो अभी क्या है, हम इसको, तो दोस्तों एक गलती सब लोग ज़्यादातर होती है, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं हमने कोई भी चीज़ सेलेक्ट किया, ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया, ठीक, ये उसने लिया नहीं है ना, सेव नहीं होगा। अभी ज़्यादातर एक प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, जैसे मान लो कि ये सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको हम ये सेलेक्ट किया कि हमने कोई रॉन्ग अडेप्टर अपना ले लिया, मतलब जो ये जैसे मेरा लोकल एरिया कनेक्शन बना हुआ है तो रॉन्ग ले लिया हमने, इसको यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, सेव कर दिया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे तो वो चीज ना हाइड हो जाएगा, मतलब हाइड दिखाई नहीं देगा, ठीक है, मतलब क्लिक नहीं कर सकते उसको। ये देखिए यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, जो है वही होगा। तो हमें इसका क्या करना होगा, हम पहले इसको अनचेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक बार सेव कर देंगे। ये उस केस में अगर हम लोकल एरिया कनेक्शन गलत चूज़ कर लेते हैं, तो फिर से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने अनचेक किया था ना, तो इसे अनचेक रहने देते हैं। उसके बाद पहले हम यहाँ से अच्छा वाला जो अपना जिस पर हमारा इंटरनेट आ रहा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ करते हैं और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, इसको भी क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से करते हैं सेव, यहाँ पे हो गया हमारा सेव। स्पीड आप देख सकते हो इतना आ रहा है मेरे इंटरनेट का। डिटेल्स में जाना देखना चाहोगे तो देख सकते हैं मेरा आईपी एड्रेस क्या है, ये सब वो उसका जरूरत नहीं पड़ता है। इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। फिर से आ जाएंगे हम हॉटस्पॉट के ऊपर, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, मैंने किसी मोबाइल में कनेक्ट किया था पहले, तो अभी मेरा उसी नाम से, सॉरी उसी SSID से और इसी पासवर्ड से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। अब इसको मैं डिस्कनेक्ट करके देखता हूँ होता कि नहीं होता ऑटोमेटिक कनेक्ट। चल भाई हो गया डिस्कनेक्ट। हाँ देखो, ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो चुका है, अभी मेरा कोई भी यहाँ पे डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है ना। फिर से मैं इसको अपने मोबाइल का वाईफाई ऑन करता हूँ, अगर मैंने ऑटो सेलेक्ट किया होगा तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको,
और जैसे हमारे घर में और बहुत सारे डिवाइस हैं, तो ये तो मेरा कनेक्ट हो गया है सिंगल मोबाइल, ठीक है। और भी मेरे पास कोई डिवाइसेस हैं तो उसके हम वाईफाई में जाएंगे, उसका वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस मैं मुँह से बोल रहा हूँ, बाकी सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने दूसरा मोबाइल भी कनेक्ट कर लिया यहाँ पर, मेरा मोबाइल का नेम ये वाला है, आई पी एड्रेस पर यह मिला है, ये आई पी एड्रेस ऑटोमेटिक प्रोवाइड होता है, और ये उनका मोबाइल का मैक एड्रेस है, सॉरी मोबाइल का मैक एड्रेस नहीं है ये, इसका भी एक अडेप्टर होता है उसका मैक एड्रेस है। तो अभी मैं दोनों डिवाइस फिर से ऑफ कर देता हूँ, अपने मोबाइल का वाईफाई फिर से ऑफ कर देता हूँ, एक का किया, दोनों का मैंने कर दिया, अभी कुछ सेकंड में दोनों गायब हो जाएगा, हाँ सारा गायब हो गया। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम एट ए टाइम 8 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, ये दिखा रहे हैं ना डिवाइसेस कनेक्टेड। तो हम फिर से ऑफ कर ऑन कर लेते हैं अपना मोबाइल का वाईफाई, कनेक्ट हो गया। तो दोस्तों आपको मेरा कैसा वीडियो लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ भी हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग या टेक्निकल से कुछ भी रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो लाइक करके ज़रूर बताना, लाइक कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, टाटा।